देख रहे हैं satyahindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों से दो पिस्तौल बरामद की हैं। आरोपी मिर्च स्प्रे लेकर आए थे। पहले तो आरोपी स्प्रे करने वाले थे और फिर फायरिंग करने वाले थे, लेकिन तीसरे आरोपी शिव कुमार गौतम ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। बाबा सिद्दीकी के साथ तीन कांस्टेबल थे और घटना के वक्त भी तीनों कांस्टेबल वहां थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। जानकारी के मुताबिक इस फायरिंग में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। ANI की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया है। वहीं धर्मराज कश्यप को पुलिस हिरासत में नहीं दिया गया। कोर्ट ने दूसरे आरोपी को ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के बाद फिर से पेश करने का निर्देश दिया है। बता दें कि ऑसिफिकेशन टेस्ट एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की हड्डियों के संलयन की डिग्री का विश्लेषण करके उसकी आयु का अनुमान लगाती है। यह उम्र निर्धारित करने का एक तरीका है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और 20 अन्य प्रदर्शनकारियों को रविवार को यहां लद्दाख भवन के बाहर प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि वांगचुक के साथ अनशन पर बैठे करीब 20 से 25 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और मंदिर मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने आज रविवार को एकनाथ शिंदे सरकार की आलोचना करने के लिए गद्दा रंचा पंचनामा गद्दारों का साक्ष्य रिकॉर्ड नामक एक दस्तावेज जारी किया और उस पर पड़ोसी गुजरात के पक्ष में महाराष्ट्र को धोखा देने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि कांग्रेस, शिवसेना, UBT और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP से मिलकर बनी MVA ने अक्सर राज्य सरकार पर गुजरात में जाने वाली बड़ी परियोजनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। अब इस बीच MVA की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सिर्फ मैं और शरद पवार ही नहीं है जिन्हें गद्दारों ने धोखा दिया है, बल्कि महाराष्ट्र ने भी विश्वासघात का सामना किया है और यह महायुति का सबसे बड़ा पाप है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहने वाली टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने आज रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी प्यार की दुकान में नफरत बेच रही है। नकवी ने कहा कि विपक्षी पार्टी राष्ट्रवादियों को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधियों को राष्ट्रवादी बताने वाले प्रमाण पत्रों का बहुराष्ट्रीय वितरण केंद्र बन गई है। दरअसल आपको बता दें कि खड़गे ने शनिवार को आरोप लगाया था कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया था जिसमें PM मोदी ने कहा था कि कांग्रेस को शहरी नक्सलियों का गिरोह चला रहा है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि हार की हताशा और निराशा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी वैचारिक दिवालियापन का शिकार होते जा रहे हैं। जब जमीन पर कांग्रेस PM मोदी के नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो भाजपा और PM मोदी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गई है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाजपा को आतंकी पार्टी बताना कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस की लगातार हार की खीज से उनका पूरा शीर्ष नेतृत्व सदमे में है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने PM मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि BJP ने कुछ भी कहने की नई परंपरा शुरू की है। PM मोदी ने कांग्रेस को बार बार शहरी नक्सली कहा है, जबकि यह वही पार्टी है जिसने देश के लिए बलिदान दिया और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक मंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस का आतंकवाद से संबंध है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम आपकी तरह ना तो कायर हैं और ना ही कमज़ोर। BJP को अपनी भाषा और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एक रैली में PM मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह है। यह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन उसकी सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री
अजीत पवार ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, बाबा सिद्दीकी के निधन से एनसीपी पूरी तरह टूट गई है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्हें बहुत से लोग प्यार करते थे। निजी तौर पर मैंने एक ऐसा प्रिय मित्र खो दिया है जिसे मैं वर्षों से जानता था। उन्होंने लिखा कि हम इस घटना की क्रूरता से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक क्षति नहीं है, यह एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी है जिसने हम सभी को झकझोर कर रख दिया है। अजीत पवार ने अपील करते हुए कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी हमारा ध्यान यह होना चाहिए कि इस मामले में न्याय कैसे मिले। बाबा सिद्दीकी को आज रविवार को ही रात 8:30 बजे दफनाया जाएगा। इस बात की जानकारी उनके बेटे और MLA जिशान सिद्दीकी ने दी है। जिशान सिद्दीकी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अत्यंत दुख के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय बाबा सिद्दीकी, विधायक जिशान बाबा सिद्दीकी और डॉक्टर अर्शिया सिद्दीकी के पिता और शहजीन सिद्दीकी के पति का स्वर्गवास हो गया है। जिशान ने लिखा कि नमाज जनाजा आज 13 अक्टूबर रविवार शाम 7 बजे शाम की नमाज के बाद मकबा हाइट्स 15A पाली रोड पाली नाका पांद्रा पर होगी। उनके शव को आज 13 अक्टूबर रविवार रात 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कहा कि चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी हो या अक्षय शिंदे बलात्कार के आरोपी का एनकाउंटर, इस सरकार के हर काम पर संदेह जताया जा रहा है और यह अच्छी बात नहीं है। हमें नहीं पता कि गिरफ्तार किए गए आरोपी कौन हैं। ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं लेकिन अपराधियों पर नजर नहीं रख रहे हैं। NCP अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 3रा अभियुक्त फरार है। गिरफ्तार हुए लोगों में एक व्यक्ति हरियाणा का और एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बताया गया है। इस बीच अभियुक्त उत्तर प्रदेश निवासी धर्मराज कश्यप की मां ने कहा है कि वह 2 महीने पहले ही घर से गया था। घर पर बताया था कि वह कबाड़ का काम करने जा रहा है, अब वहाँ क्या कर रहा था मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि धर्मराज ने बताया था कि वह पुणे जा रहा है। सुबह जब घर पर पुलिस आई तब हमें इसकी जानकारी मिली है और घर से जाने के बाद से सिर्फ एक बार बात हुई थी। वहीं हत्या के मामले में पकड़े गए हरियाणा निवासी और दूसरे अभियुक्त गुरमेल सिंह की दादी ने कहा है कि वह मेरा पोता था लेकिन अब वह मेरा कुछ नहीं लगता। इसके अलावा हत्या के मामले में फरार चल रहे 3रे अभियुक्त शिवा की मां ने कहा कि वह पुणे गया था, वहां पर कबाड़ का काम करता था। मुझे इसी के बारे में जानकारी थी, मुंबई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह होली पर घर आया था लेकिन वापस जाने के बाद अब तक दोबारा नहीं आया। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए MVA के मुख्यमंत्री चेहरे पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महायुति को पहले अपना CM चेहरा घोषित करने दें, फिर हम आप सभी को बताएंगे कि हमारा CM चेहरा कौन है। सरकार में होने के नाते महायुति को पहले अपना CM चेहरा घोषित करना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान का समर्थन करते हुए शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने CM चेहरे के बारे में जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल स्पष्ट है और यही बात है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिन्हानंद की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रविवार को माहौल गर्मा गया। इस वजह से आज डासना मंदिर में 36 बिरादरियों की पंचायत बुलाई गई है। हालांकि इसकी अनुमति मंदिर प्रशासन की तरफ से पुलिस से मांगी गई थी लेकिन पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से मंदिर के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है लेकिन इसके बाद भी यति नरसिन्हानंद के पक्ष में महापंचायत के लिए भीड़ पहुंच गई। ऐसे में पुलिस ने मंदिर के मुख्य गेट पर ताला लगवा दिया। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक BJP विधायक नंदकिशोर गुज्जर भी स्वजा से सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि 36 बिरादरी की ये पंचायत 4 अक्टूबर की रात को मंदिर पर कथित तौर पर हुए हमले और महामंडलेश्वर यति नरसिन्हानंद गिरी के कथित तौर पर लापता होने के संबंध में बुलाई गई है। मंदिर के आसपास भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है।
आज रविवार को जम्मू कश्मीर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने डोडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। हम उन्हें बधाई देते हैं। हम जम्मू कश्मीर के विकास और भलाई के लिए हर संभव तरीके से उनका समर्थन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।